सोलन के फॉरेस्ट रोड पर रात को 11 वर्षीय बच्ची रोते हुए लोगों से काम मांग रही थी। वहां से गुजर रही महिलाओं की नजर उस बच्ची पर पड़ी तो उन्होंने बच्ची को अकेला देखकर उसे रात को अपने घर में शरण दी। उसे नहलाया धुलाया और भूख से बिलखती बच्ची को खाना खिलाया और उसे रात को काम मांगने की वजह पूछी तो मालूम पड़ा कि बच्ची अपनी सौतेली माँ और पिता की मार की डर से गिरीपुरी से बस में बैठकर 25 किलोमीटर दूर सोलन आई है। पीड़ित बच्ची ने बताया कि उसकी माता की मृत्यु हो चुकी है और पिता ने दूसरी शादी कर ली है और जब से सौतेली माँ घर आई है तब से पिता का व्यवहार भी उसके प्रति बदल गया है और वह उससे रोज मारपीट करते हैं और उन्होंने उसे ये कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि अगर वो दोबारा घर में घुसी तो उसे बेहद मार पड़ेगी और उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वह अपने घर से भागकर सोलन आ गई है और यहाँ काम की तलाश कर रही है। जब उससे पूछा गया कि वह घर जाना चाहती है तो उसने मार की वजह से घर जाने से साफ इनकार कर दिया। मेरा नाम दीपा और मेरे पापा ने मेरे को मारे थे और मैं भाग के आई घर और फिर पापा मेरे को बोल रहे थे बोलो घर में आएंगे तो बोलो इतना मारेंगे बोल रहे थे तब मैं घर को भाग के आ गई। तो फिर मम्मी को लाई उड़ीसा से बहुत दूर से, मैंने घर नहीं जाना मेरे को मारते पापा मम्मी। वही बच्ची के लिए मसीहा बनी महिलाओं ने कहा कि रात को उन्होंने बच्ची को देखा तो वह भूख से बेहाल थी और वह काम मांग रही थी तो उन्होंने बच्ची को अकेला पाकर उसे अपने घर में रख लिया और उससे काम मांगने की वजह पूछी तो बच्ची ने बताया कि पिता ने दूसरी शादी कर ली है तब से वह उससे मारपीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि एक दिन तो उसके सर पर हथौड़े से भी चोट कर दी जिसके बाद उसके सर पर टांके लग गए थे। अब भी बच्ची के शरीर पर चोटें लगी हुई हैं, इसीलिए सहमी हुई बच्ची घर वापस जाना नहीं चाहती है। इस घटना में सुखद बात यह रही कि बच्ची को समय रहते महिलाओं ने देख लिया। अगर बच्ची किसी अनजान शख्स के हत्थे चढ़ जाती तो ये बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। फिलहाल बच्ची को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और बच्ची के परिजनों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। मैं सोलन में रहती हूँ और ये लड़की हमारे को कल शाम को मिली और ये बोलती है कि भी मेरे मम्मी पापा मारते हैं, तो ये आई हुई गिरिपुल, क्या नाम, गिरिपुल नट्टी से, नट्टी से आई हुई, भाग के आई हुई ना घर से और इसकी मम्मी पापा इसको मारते हैं, तो ये बोलती कि आज के बाद मैं घर नहीं जाऊंगी, ऐसे बोलती है। तो ये हमारे को फॉरेस्ट रोड में मिली सर, अब ऐसी रोती हुई आई हुई थी ना, कल शाम को आई थी तो हमने रख लिया इसको। तो इसके चोटे वगैरह भी लगी है? हाँ जी, पांव में लगी हुई, टांग में लगी हुई सर इसकी ना। तो जैसे सिर पे बता रही है क्या? सिर पे तो बोलती है अपने पापा ने हथौड़ा से मारा था तब टांग के लगी हुई इसके, ऐसे बोल रही थी ये। अब हमारे